दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा लद्दाख का ट्रेलर? बेसिकली आपने जो अभी अभी देखा वो था लद्दाख का ट्रेलर। मेरी लेह लद्दाख की राइड कंप्लीट हो चुकी है और आ गया हूँ मैं वापस अपने घर पे। सारे वीडियोस आ जाएंगे फटाफट। और ये ऑडियो मैंने क्यों यूज़ किया, भुवन भाई का ये गाना लॉन्च हुआ है सफ़र, और इस गाने ने मुझे बहुत पुरानी यादों में ये गाना मुझे ले गया। और इंडी पॉप जब फेमस हुआ करता था, मतलब जब एक एल्बम, इंडिविजुअल एल्बम, इंडिपेंडेंट एल्बम आया करते थे मार्केट में जब हम छोटे थे, करीब 7th, 8th, 9th में थे और उससे पहले भी थे, तो बहुत सारे एल्बम आया करते थे। और इस गाने ने मुझे याद दिलाया है तन्हा दिल तन्हा सफ़र, जो शान का एल्बम था। शान जो सिंगर है, काफ़ी फेमस सिंगर हैं, सभी जानते हैं उन्हें। वो गाना भी शायद आप सभी ने सुना होगा, अगर आप 80s, 90s के बच्चे हैं और आपका बचपन उन समय में बीता है तो 100% आपने वो गाना सुना होगा। उस गाने को मैं याद कर रहा था, इस गाने को सुनते सुनते, और उस गाने में एक मंजिल दिखाई गई थी, एक रास्ता दिखाया गया था, एक ड्रीम दिखाया गया था कि आप कैसे अपने घर से निकलते हो और किस तरीके से चलते हो। सेम सफ़र इस गाने में भी मैंने वही फील किया, एक स्टोरी थी जो मुझसे जुड़ी थी, मैंने उसको फील किया। और इस ऑडियो को मैंने यूज़ किया, इसका पूरा क्रेडिट भुवन भाई को जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्रिएटर है, कोई उसमें डाउट नहीं है, मेरी कहने की उसको ज़रूरत भी नहीं है। मैं एज ए सब्सक्राइबर, एज ए फैन उनका, मैंने इस ऑडियो को यूज़ किया है और पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है इसका।
और लद्दाख राइड के बाकी वीडियोस सारे आएंगे एक एक करके। ये ट्रेलर था, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बहुत अच्छी राइड रही। इस राइड की मैं ग्लिम्स आपको दे देता हूँ। इसमें मैं और मेरी वाइफ, मेरी दोस्त मेरे साथ थी, केवल हम दोनों ही थे। 13 डेज़ में ये राइड कम्प्लीट हुई। 3500 किलोमीटर की ये राइड थी। शुरुआत हुई थी लुधियाना से, ख़त्म हुई फरुखाबाद में, मेरे होम टाउन में। आप सभी अगर पुराने हैं इस चैनल से तो आपको पता होगा मेरा होम टाउन उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से मैं पला बड़ा हूँ और रहता हूँ फिलहाल गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर में सिलवासा नाम की जगह पर। तो वहाँ से मैंने ये यात्रा शुरू करी थी, ट्रेन में अपनी बाइक को शिफ्ट कराया था लुधियाना तक, और लुधियाना से फिर मैं गया था श्रीनगर होते हुए कारगिल, फिर लेह से लोकल नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक, LOC गिलगित बाल्टिस्तान की जो है हमारी, वहाँ तक मैं गया। और उसके बाद मैं मनाली वाले रूट से वापस आया। ये थी पूरी एक स्टोरी, इसका ट्रेलर आपने अभी देखा, पूरे वीडियोस आने वाले हैं। चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब, क्यों सारे वीडियो आ जाएंगे फटाफट। और अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों के संग भी शेयर भी कर लो यार। और भुवन भाई का वीडियो बिल्कुल मत मिस करना, नीचे लिंक में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका वीडियो का लिंक, ओरिजिनल वीडियो जो कि और ज़बरदस्त है। इसके ऊपर कई यूट्यूब क्रिएटर्स ने भी वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये गाना ही ऐसा है अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल एक कहना चाहिए मेरे को, याद मेरी यादों में मुझे ले गया वापस, इसलिए मैंने इसका ऑडियो यूज़ किया था। फिलहाल कुछ कमेंट्स हो, कुछ सुझाव हो, क्या कहना है, कुछ करना है तो सब नीचे कमेंट में भर डालो, ज़बरदस्त शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। करीब करीब 15 वीडियो आएंगे इसमें, क्योंकि 13 डेज़ की मेरी राइड थी, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी था, वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा मैं। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी राइड रही। ज़िंदगी में एक ड्रीम था, वो ड्रीम चेक हो गया है। और आप लोग अगर ड्रीम करते हो तो उसको प्लानिंग के साथ पूरा करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। प्लानिंग के साथ पूरा करो, इन्जॉय करो लाइफ को, सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को यार। बाय बाय। और एक बात, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर, लाइव अपडेट आ जाती है वहाँ पे। यूट्यूब पे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, एडिट करने में, अभी अपना एक्सपर्ट नहीं है हम, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का हैंडल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्क्रीन पे भी आ रहा है, वहाँ पे भी जाके कर लो फॉलो। बाय।